नमस्कार, मैं शीतल दही फले POY नेशन से। ये कार्यक्रम युवा की आवाज संस्था के द्वारा आयोजित है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सेंसरशिप को औपचारिक रूप क्यों देना चाहती है। मार्शल लॉ विपक्षी दलों और अधिकारी समूह ने नई मीडिया अध्यक्ष का विरोध किया है। पाकिस्तान मीडिया विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2021 सभी मौजूदा कानूनों को निरस्त करने और उन्हें एक ही निकाय में विलय करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार संघ ने इस फैसले की निंदा की है कि मीडिया को विनियमित करने के लिए इमरान खान सरकार ने प्रस्तावित अध्यादेश पाकिस्तान में विवाद का केंद्र बनाया है। मानवाधिकार संगठनों और मीडिया संगठनों ने पाकिस्तान मीडिया विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2021 को खारिज कर दिया, जिसमें मीडिया से संबंधित सभी निपटानों और न्यायाधिकरणों की स्थापना और निपटान का प्रस्ताव किया है। अध्यादेश नौकरशाही को PMDH प्रमुख के रूप में पेश किया है, इसलिए इन प्रावधानों को जबरन सेंसरशिप के रूप में बनाया जा रहा है। विपक्षी समूह ने संकट में घिरे PM से इस्तीफा देने की मांग की गई है। पाकिस्तान में 1973 जैसे अखबारों के कर्मचारी और मीडिया आउटलेट्स से संबंधित कई कानून हैं और ये कानून विभिन्न मीडिया को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इमरान खान सरकार पूरे मीडिया सेक्टर को एक ही अधिकारी चाहते हैं और विभिन्न संगठनों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। अध्यादेश में अध्यादेश का दमनकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मीडिया ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिए 3 साल तक की कैद और 25 मिलियन PKR का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा है। वरिष्ठ मीडिया संपादकों ने अप्रैल में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण के एक नए निर्देशक पर हंगामा किया। इसमें सैटेलाइट टेलीविजन चैनल को भी सलाह दी कि वो सरकारी बैठकों में प्रगति पर रिपोर्ट ना करे। क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2020 जिससे अप्रैल में इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट की वार्षिक पाकिस्तानी मीडिया लीगल रिव्यू 2020 रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो बड़ी संख्या में पत्रकारों और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। साथ ही कई पत्रकार और अधिकार कार्यकर्ताओं को उनके सोशल मीडिया और कपड़ों से संबंधित पूछताछ, अपहरण और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया था।